अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई हुई है तो उसको आप अपनी टैक्स रिटर्न में किस तरह ट्रीट करेंगे, किस तरह डिक्लेयर करेंगे। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपली अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब हम देखेंगे कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, इससे हट के कोई और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने करवाई हुई है तो उसको आप अपनी टैक्स रिटर्न में किस तरह डिक्लेयर करेंगे, किस तरह उसको ट्रीट करेंगे। तो आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस है या और कोई इंश्योरेंस है, उसको हमने अपनी जो टैक्स रिटर्न है उसमें आप एंट्री नहीं होती, तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपका एसेट है, आपने वो एज आ इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप उसको एज आ एसेट जो है वो कंसीडर करेंगे, वो आपकी इन्वेस्टमेंट ही कंसीडर होगी, तो वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आएगी, आपकी टैक्स रिटर्न में नहीं आएगी, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आएगी। तो फ्रेंड्स, वेल्थ स्टेटमेंट में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो टू टाइप से एंटर हो सकती है। एक टाइप तो ये हो सकती है कि आप अभी फर्स्ट टाइम जो है उसकी एंट्री करना चाह रहे हैं, अभी आपने अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो करवाई है, उसको एक साल हो गया या दो साल हो गए, ठीक है, और वो आपने 20 साल के लिए करवाई है या 10 साल के लिए करवाई है, और जितनी अमाउंट की करवाई है उसको आपने किस तरह उसकी एंट्री करनी है ये देखेंगे। दूसरी ये है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो अगर मेच्योर हो गई है, उसकी जो नंबर ऑफ पीरियड है वो पूरा हो गया है, और आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी पे जितनी भी अमाउंट मिली है उसको अब आप किस तरह ट्रीट करेंगे, ये दोनों तरीके जो है हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की तो किस तरह करेंगे। तो इसके लिए आपने सिंपली पर्सनल एसेट में आ जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह आपको ओपन हो जाएंगे पर्सनल एसेट्स। तो यहाँ पे आपने ये सिंपली इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स एन्युटी बॉन्ड्स, इस वाले ऑप्शन में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई नंबर है, ठीक है, स्टेट लाइफ की है या इसके अंदर कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उसका अगर आपके पास यहाँ पे नंबर है वो आपने यहाँ पे डिटेल के साथ लिखना है, ठीक है, मैं सिंपली को रैंडम नंबर लिख देता हूँ, और यहाँ पे नीचे आपने उसका नाम शाम जो भी डिटेल है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का नेम है, ठीक है, क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी ने अपना अलग से नाम रखा हुआ होता है, आपने उस हिसाब से अपना नाम जो है वो यहाँ पे लिख देना है। मैं रैंडमली कुछ भी लिख देता हूँ ABC, तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो सबमिट के बाद आपको इस तरह कॉलम जो है ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे एक बात जो ध्यान से समझने वाली है वो ये है कि अब आप यहाँ पे अमाउंट कितनी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो करवाई है, ठीक है, 10 साल के लिए 2 लाख की आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, अब आप उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, तो यही सब हम देखेंगे। तो अगर यहाँ पे 2 तरीकाकार हैं उसको ऐड करने के, एक तरीकाकार तो ये है कि आप यहाँ पे जितनी आपने इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर दी हुई है ना, आप सिंपली उसको यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, मुझे 1 साल या 2 साल हुआ है, मैंने टोटल जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 2 लाख की करवाई है, लेकिन अभी मैंने 2 इंस्टॉलमेंट जो है उसकी पे की हैं, लेकिन 1 साल की जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो 20,000 है, क्योंकि 10 साल जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी है, और टोटल जो मैंने करवाई है वो 2 लाख की है, तो इस हिसाब से अगर उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 20,000 बनेगा, ठीक है, 20,000 जो है वो किस्त बनेगी, और मैं 10 साल उसको हर साल 20,000 पे करूँगा, तो वो मेरी 2 लाख की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, अगर आपको सिर्फ 1 साल हुआ है अभी, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर 20,000 लिख देंगे, और अगर आपको 2 साल हुए हैं, ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हुए, तो फिर आप यहाँ पर 40,000 लिख देंगे। तो इस तरह फर्दर आप नेक्स्ट ईयर 20,000 उसमें ऐड कर देंगे तो वो 60,000 हो जाएगा, फिर आप उससे नेक्स्ट ईयर 20,000 उसमें ऐड कर देंगे तो 80,000 हो जाएगा, इस तरह 10 साल बाद वो आपकी टैक्स रिटर्न में पूरा आपका 2 लाख जो है वो हो जाएगा, ठीक है, तो इसको साथ साथ कैलकुलेट करते जाएं। तो इस तरह वो आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपके एसेट्स में, वेल्थ स्टेटमेंट में ऐड हो जाएगी। एक तरीकाकार तो ये है, आप इस तरह सिंपली इसको ऐड करते जाएँ, और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर अपनी जो टोटल इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट है जितनी आपने करवाई है वो आप यहाँ पे उसको लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि मैंने 2 लाख की करवाई है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह टोटल अमाउंट जो है वो लिख देंगे, लेकिन अभी आपने इंस्टॉलमेंट जो है वो जस्ट 1 साल की पे की है, अभी अभी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है, अभी एक इंस्टॉलमेंट पे की है 20,000 की, तो बाकी आपकी सभी इंस्टॉलमेंट जो है वो रहती हैं, तो उसको फिर आप किस तरह ट्रीट करेंगे, यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें। और अब आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है, ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लायबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो जो आपकी अमाउंट जो रिमेनिंग रहती है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपने वो इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर जो ऊपर लिखा था, ठीक है, जिस तरह मैंने रैंडम लिख रहा हूँ,
और उसके अलावा यहाँ पे आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी का नेम लिखा था सेम वही लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद सबमिट करना है, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जो अमाउंट आपकी रिमेनिंग रहती है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लाख की ली थी ना और 20 हज़ार मैंने पे कर दिया, बकाया कितना बचा 1,80,000। तो मैं यहाँ पे 1,80,000 यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ पे लिखने के बाद उसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब क्या हुआ है मेरी यहाँ पे दोनों जगह पे एंट्री भी हो गई है, ठीक है, कि मेरी इतनी लाइबिलिटी जो है वो अभी रहती है। टोटल जो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी वो 2 लाख की है, लेकिन 1,80,000 मेरे अभी रिमेनिंग पड़े हैं और 20,000 जो है वो मैंने किस्त जो है वो पे कर दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली अमाउंट जो है वो 2 लाख ही रहेगी, अब इसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट ईयर जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 20,000 की, तो यहाँ पे अब आपने 1,60,000 कर देना है, ठीक है। तो आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी अमाउंट 40,000 बन जाएगी इंस्टॉलमेंट्स की। और नेक्स्ट ईयर फिर आपने अगेन इसी तरह करना है कि 1,40,000 कर देना है, फिर इस तरह 1,20,000, हर साल आपने 20-20,000 कम करते जाना है, ठीक है। और एट द एंड जब आपकी 2 लाख की पूरी हो जाएगी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आपका यहाँ पे एसेट जो है वो एज इट इज ही रह जाएगा और यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी जो है वो 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो अगर आपने ऑन मेच्योरिटी को उसको इस तरह ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 लाख की करवाई थी इंश्योरेंस पॉलिसी और हमको 2 लाख के साथ 10 साल के बाद 2 लाख ही ऐड होना था, टोटल बन गया 4 लाख। अब उसको हमने इस तरह ट्रीट करना है, उसको ट्रीट हमने इस तरह करना है कि हम यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये वाला हमारा एसेट जो है वो मेच्योर हो चुका है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है अब हम इस तरह करेंगे कि इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास टोटल कितनी अमाउंट है 4 लाख। तो 4 लाख को हमने यहाँ पे सबसे पहले रिकॉन्सिलेशन में आना है। रिकॉन्सिलेशन में आने के बाद जितनी भी अमाउंट हमको मिलेगी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल टैक्स की इनकम आएगी, यहाँ पे एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स आएगी और यहाँ पे फाइनल एंड फिक्स टैक्स जो है वो इनकम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपको फॉरन रेमिटेंस है, इनहेरिटेंस है, गिफ्ट है, तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन है। आप यहाँ पे भी जितनी अमाउंट आपको ऑन मेच्योरिटी मिली है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल के लिए कोई ऑप्शन जो है वो नहीं मिल रहा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें, यहाँ पे ऑप्शन आपको एक मिलेगा एडजस्टमेंट्स इन इनफ्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है प्लस का, तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट डिटेल लिख देनी है कि मैंने फ़लाँ कंपनी की फ़लाँ जो है बैंक की तरफ से इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो करवाई हुई थी, ठीक है। 2 लाख मेरी उसकी अमाउंट थी, ठीक है, 2 लाख की मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई हुई थी और ऑन मेच्योरिटी जो है, मैं इस तरह एग्जाम्पल जो आपको दे रहा हूँ आपने सिंपली डिटेल के साथ लिखना है, उसको आपने इस तरह सबमिट कर देना। आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिल गया। यहाँ पे अब आपने 4 लाख जो आपको टोटल मिला है आपने यहाँ पे इस तरह लिख के इसको कैलकुलेट कर देना है, तो वो आपकी यहाँ पे इनफ्लोज में शो हो जाएगा। तो ऑन मेच्योरिटी जो है आप इस तरह ट्रीट करेंगे। अब आपके पास इनफ्लोज में 4 लाख रुपए आया है, ठीक है, और यहाँ पे आपने पर्सनल एसेट्स में आना है। तो यहाँ पे क्योंकि ये वाली पॉलिसी जो है वो आपकी मेच्योर हो चुकी है, इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। तो अगर आपने दोबारा नई पॉलिसी जो है वो इसको रीन्यू कर दिया है, फिर आपको नए सिरे से वही ट्रीटमेंट जो पहले वाला है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, एक तरीका। दूसरे नंबर पे अगर आपने वो वाली अमाउंट किसी बैंक अकाउंट में जमा करवा दी है इंश्योरेंस पॉलिसी वाले, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना वो वाला बैंक अकाउंट, वो सेविंग है, करंट है, जो भी है, वो नेशनल सेविंग में आपने जमा करवाई है, कोई सर्टिफिकेट ले लिया, कोई बॉन्ड ले लिया, ठीक है, तो वो आपने डिटेल यहाँ पे देनी है, ठीक है। देने के बाद जितनी अमाउंट भी आपने करवाई है, 2 लाख करवाई थी, 4 जितनी भी, वो आपने यहाँ पे उस बैंक अकाउंट में शो करवा देनी है। यहाँ से आपने वो डिलीट कर देनी है, ठीक है, यहाँ से आपने डिलीट कर देनी है और वो आपने नए बैंक अकाउंट में वो शो करवा देनी है। तो इससे नीचे अगर आपने कोई और एसेट्स खरीद लिया, अगर आपने कोई प्लॉट ले लिया, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे शो करवा दें, प्लॉट उसका परचेज कर लें, ठीक है, प्रॉपर्टी में उसको ऐड कर दें। और अगर आपने कोई उससे एनिमल खरीदे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपने उससे कोई बाइक वगैरह या कोई और चीज़ ली है, इस तरह ये गोल्ड वगैरह आ गया, प्रीशियस पोजेशन में, हाउस होल्ड इफेक्ट में आपका कोई इजाफा हुआ, पर्सनल आइटम उसमें इजाफा हुआ, या आपके पास कैश में पड़ा है, तो आप यहाँ पे उन कॉलम के अगेंस्ट उस 4 लाख अमाउंट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने बैंक अकाउंट में लिखा है तो फिर आप यहाँ पे में इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन में आके बैंक अकाउंट का नंबर लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे। और उसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी कोई आपका मकान बना हुआ था, उसको आपने रेनोवेट करवाया है या उसमें कोई कंस्ट्रक्शन करवाई है, और वो वाले इंश्योरेंस वाले पैसे जो हैं उसको आपने
वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो फिर अगर आपने यहाँ पे अपनी जो प्लॉट की कीमत थी, ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 5 मरला था, जो मैंने रैंडम चीज़ें लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे आपका प्लॉट जो था, ठीक है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी आपका, 5 मरले का प्लॉट था, उसकी आपने यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई थी कि वो मेरा 10 लाख का है, ठीक है। तो कैलकुलेट करें, अगर वो आपने 4 लाख रुपये इंश्योरेंस पॉलिसी वाला आपको मिला और आपने अपने घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है वो करवा ली है, तो अब आपने उसको एक्सपेंस में शो नहीं करवाना, ठीक है। आपने क्योंकि आपकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन के ऊपर आपकी अमाउंट वो खर्च होती है, वो आपकी घर की कीमत जो है उसमें आपको एसेट जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हमने 10 लाख है, आप इसको एडिट करेंगे ना, तो आप यहाँ पे 10 की बजाय वो 4 लाख ऐड करके इसको 14 कर देंगे, ठीक है। अब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है वो 14 लाख हो गई है, क्योंकि आपने 4 लाख की इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा दी है, तो आप उसको इस तरह ट्रीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको प्रॉपर जो है वो गाइड कर सकूँ। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और बात, अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, कोई प्लॉट लिया हुआ है, तो उसको आप किस तरह ट्रीट करेंगे, वो भी आप सेम जिस तरह आपने इंश्योरेंस पॉलिसी का मैंने आपको बताया हुआ है, वो भी सेम इसी तरह ट्रीट होगी। या तो आप पूरी अमाउंट यहाँ पे प्लॉट की लिख दें और जितनी अमाउंट रिमेनिंग रहती है वो आप यहाँ पे लिखते हैं लाइबिलिटी वाले ऑप्शन में, और या फिर आप जितनी इंस्टॉलमेंट आपने पे की हैं इंस्टॉलमेंट जो है वो ऐड करते जाएं, और प्रॉपर्टी की वैल्यू है आपकी, प्लॉट की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करते जाएं। तो ये दो तरीक़ों से आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो बाकी फ्रेंड्स, आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसको कम्प्लीटली किस तरह अपडेट करना है, अपने एसेट्स को किस तरह शो करना है, किस तरह डिक्लेयर करना है, अपनी टैक्स रिटर्न उसको किस तरह सबमिट करना है, बेशक वो आपकी बिजनेस के हवाले से है या आपकी कोई सैलरी पर्सन की है, ठीक है, तो आपने इसको किस तरह सबमिट करना है, इस वाले से मैंने एक कम्प्लीट प्ले लिस्ट जो है उसमें सभी वीडियो जो है वो अपलोड कर दी हुई है। FBR के नाम से आपको मेरे इसी चैनल पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। आप किसी ऑप्शन पर भी जाके वो वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और इसको फॉलो करके आप आसानी के साथ अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में क्लियर कर सकेंगे। तो वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाजमी लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।